अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एज इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर के बारे में बताऊंगा, जो कि आप चाहे तो NPN या PNP अप्रॉक्सीमेटी सेंसर के ज़रिए अपडेट करें या रिले के ज़रिए अपडेट करें। आप चाहें तो ऑन डिले को भी अपडेट टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ऑफ डिले को भी, यानी टाइमर कितनी देर बाद ऑन हो और टाइमर फिर कितने देर बाद ऑफ़ हो, दोनों टाइमों को आप एक साथ सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये सेंसर इनपुट के पॉइंट है। यहाँ पे चाहे सेंसर आप लगाएं या फिर ये जम्पर है, ये जम्पर NPN पे सेलेक्ट, NPN पे ये दो पिन को मिलाएंगे, PNP के लिए ये दो है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपने सेंसर लगाना है, अगर सेंसर नहीं लगाते हैं तो फिर ये दो पॉइंट के ज़रिए से आप रिले ऑपरेट कर सकते हैं, ये दो पॉइंट को या इस दो पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट पे, चाहे इस दोनों पॉइंट पे आप रिले के पॉइंट के ज़रिए से आप इसे ऑपरेट करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देख लें, ये LM324 IC है, ये IC के ज़रिए 14 पिन IC है। इसके देख लें, ये रेजिस्टेंस वगैरह हमने लगाया हुआ है, ये पोटेंशियोमीटर है, ये कैपेसिटर है, ठीक है दोस्तों। ये एक दो ट्रांसिस्टर है, कई दो ट्रांसिस्टर है, ये एक रिले है। अच्छा दोस्तों, मैंने इस रिले की जगह मैंने ये देखे ये बल्ब को इस्तेमाल किया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो इस बल्ब को, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये इसका जम्पर पिन है, ठीक है दोस्तों, ये जम्पर है। आप इस जम्पर को ये देखें दोस्तों, आप चाहें तो ये NPN या PNP में कहीं भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ये जम्पर के ज़रिए से। देख रहे हैं ये जम्पर, ये देखें दोस्तों, मैं इसको NPN पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये दो पिन मैंने लगा दिया, ये NPN में मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये जैसे मैंने दिखाया आपको, ये दो पॉइंट को मैंने आपस में मिला दिया, ये NPN, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये दो, ये है दोस्तों ऑन डिले, ये है दोस्तों ऑफ डिले। आप चाहते हैं कितनी देर के बाद ये ऑन हो तो इसे सेट करेंगे, और कितनी देर बाद ये टाइमर ऑफ हो तो इसके लिए आप ये पोटेंशियोमीटर को सेट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑन डिले है और ये देखें दोस्तों, ये ऑफ डिले है, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर ये दो है, ये दो पोटेंशियोमीटर मैंने लगाया है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये जो मैंने बताया आपको, ये सेंसर का आप देख लें, ये सेंसर इनपुट है, ये देख लें, इस सेंसर इनपुट में मैंने ये तीन वायर लगाया हुआ है, ये देख लें, ये तीन वायर मैंने सेंसर पर दिया हुआ है, देख लें अभी गौर से देखें आप, ये सेंसर इनपुट पर मैंने तीन वायर लगाया हुआ है। अब मैंने NPN पे सेलेक्ट किया है, अब मैं ये दोनों को अगर आपस में मिलाता हूँ दोस्तों, तो अब देखिएगा क्या होता है, एक्शन क्या होता है, ये देखिए। ये देखें, ये देखिए दोस्तों, इसने डिले टाइम के बाद इसने ऑन कर दिया लैम्प को, आप ये लैम्प को देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये लैम्प को इसने ऑन कर दिया और ये LED को इसने ऑफ़ कर दिया। अब मैं इसे ऑफ कर, अब मैं इसे देख लें, आपने इसको अलगा कर दिया, अब देख लें ये थोड़ी देर के बाद ये आ गया। आप चाहें दोस्तों तो ये टाइम बिल्कुल ज़ीरो कर दें, ये मैं टाइम बिल्कुल दोनों का ज़ीरो कर देता हूँ, ये देखें मैंने दोनों का टाइम ज़ीरो कर दिया। अब क्या होगा ये दोस्तों, ये फ़ौरन ही देखें, ये ऑन हो गया, ये फ़ौरन ही ऑफ, ये फ़ौरन ही ऑन, फ़ौरन ही ऑफ। और आप चाहते हैं कि ये ऑफ देर से हो तो आप ये थोड़ा सा इसकी टाइम को बढ़ा के मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये ऑन तो फ़ौरन हो गया, लेकिन ये देखिए ऑफ थोड़ी देर के बाद होगा ये, ठीक है। आप इस तरीके से इसके, ये देखिए ऑन, ये ऑफ। और आप चाहते हैं कि चले ऑफ फ़ौरन हो जाए और ऑन थोड़ी देर के बाद हो, तो इस ऑन डिले पोर्ट के ज़रिए से आप ये सेट कर सकते हैं। आप ये देख लें, ये मैंने इसे ऑन किया हुआ है, ये देखें टाइम डिले के बाद ये ऑन कर दिया इसने इसको, सर्किट को, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख लें, ये ड्राइंग को आप गौर से देख लें, ये एक ट्रांसिस्टर है, ये एक ट्रांसिस्टर है, ये एक ट्रांसिस्टर है, ठीक है। और ये IC है LM304, ये पोटेंशियोमीटर के ज़रिए आपने इसको बनाना है। और ये जब PNP पे जब सेट करना है दोस्तों, तो आपने इस जम्पर को PNP पे कर देना, ठीक है। ये देखें आपके सामने, मैं ये जम्पर को PNP पे करता हूँ, ये बिल्कुल इसको अपोजिट फंक्शन पे आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए PNP पे मैंने कर दिया इसको, PNP पे इसने लैम्प को जला दिया। अब मैंने इस दो पॉइंट के ज़रिए दिखाऊंगा आपको। अब ये देखें, ये दो पॉइंट है, ये अब ये दो पॉइंट, पहले मैं ये दो से मिला रहा था, अब मैं ये दो से मिलाऊंगा। ये देखें, ये देखें, ये ऑफ हो गया,
अब मैं छोड़ूंगा इसको, ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए लैंप को इसने ऑन कर दिया, ये पिन भी इनपुट है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि NPN और PNP जब भी सेट करेंगे, इस जंपर पिन को आपने ये सेट करना है, इस जंपर को जो मैंने यहाँ दिखाया आपको NPN पे इस जंपर पे लगाना है, PNP पे अपने इस जंपर को यहाँ ये दो पॉइंट को मिलाना है, NPN में इस दो पॉइंट को आपने मिलाना है दोस्तों। ठीक है, ये सेंसर इनपुट है, आप चाहे तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट करेंगे तो ये काम करेगा, चाहे ये दो पॉइंट को आपस में शॉर्ट करेंगे तो ये काम करेगा। ये देख लें आपके सामने मैंने अभी PNP पे किया हुआ है, PNP पे जो है ना ये इस दो पॉइंट को आपने मिलाना है दोस्तों। ये देखें PNP पे ये दो पॉइंट के ज़रिए से काम करेगा ये। ठीक है, और अगर आपने NPN को रखना है दोस्तों, NPN के लिए अपने जंपर को देख लें, दोबारा मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देख लें ये जंपर को मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी ऑफ हो जाएगा थोड़ी देर में, ऑफ के बाद क्योंकि मैंने ऑफ का टाइम इसको बढ़ाया हुआ है, अब इसके बाद देखें दोस्तों ये मैंने दोनों को मिलाया, देखें ये ऑन हो गया, लैंप को इसने ऑन कर दिया। ठीक है, ये देख लें ये 12 वोल्ट सप्लाई से मैं चला रहा हूँ इसको, ये देख लें ये 12 वोल्ट सप्लाई है, 12 वोल्ट सप्लाई के ज़रिए से आप इसे देख लें। ये देखें मैंने छोड़ दिया, ये ऑफ हो गया। आप चाहें तो इसके ऑन डिले ऑफ डिले दोनों को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस पोर्ट की मदद से। ये जो ये पोर्ट है, ये पोर्ट की मदद से आप चाहें जितनी देर बाद चाहें ऑन करना। ये देखें आप, ये मैंने ऑन ये दोनों पॉइंट को मिलाया हुआ है, अब ये टाइम चूँकि मैंने बढ़ा दिया, इस टाइम के बाद ये ऑन होगा, इससे पहले ये ऑन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही करामात, ये देख लें ये ऑन हो गया। ठीक है, अब मैं छोड़ दूंगा इसको, ये ऑफ नहीं होगा, ये ऑफ फिर अपने टाइम के बाद ही होगा। ठीक है, ये देखें ऑफ हो गया ये। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी पसंद आई है दोस्तों, तो आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कॉमेंट्स करें। तो मिलते हैं दोस्तों आगे वीडियो में।